फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हमारे पास है फुटफायर, ये किस काम में आता है, और एक और हम लेके आए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे ये वाला किस काम में आएगा। तो गाइस, दोनों फुटफायरों को हम चला के दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे कैसे ये काम करता है और कहाँ कहाँ पर आपको लगाना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास फुटफायर है ये, और ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है। इसके क्या रेट हैं, क्या प्राइस हैं, लास्ट में हम वो भी बताएंगे। गाइस, बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। तो सबसे पहले हम ये वाला फुटफायर चला के दिखाएंगे, ये वाला फुटफायर किस काम में आएगा, और ये वाला फुटफायर, दोनों फुटफायरों को इसे भी हम ओपन कर लेते हैं। गाइस, बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं ये फुटफायर, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये वाला भी खोल लेते हैं, हम आपको बताएंगे कि ये वाला किस काम में आता है। ये हम नया लेके आए हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ये पैंच भी आया है, गाइस देख सकते हैं, ये फुटफायर है हमारा, इसके साथ ये पैंच भी आया है। तो हम चलिए चेक करके देखते हैं कि ये हमारा क्या काम करेगा, ये वाला किस काम में आएगा। तो गाइस, चलिए हम इसे लगाते हैं। गाइस, इजीली आप इसी तरीके से लगा लेंगे, जैसे हमारा ये लगा हुआ है वैसे ही हम इसे भी लगा लेंगे। जो जैसे लगा था वैसे ही हमें इसे भी लगाना है। गाइस, ध्यान से लगाएं, अगर सुई टकराने लगी तो सुई भी टूट सकती है, देख सकते हैं अभी सुई हमारी टकरा रही है। तो अच्छे से टाइट कर लें। ध्यान रखें सुई हमारी ना टकराए, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो गाइस, इसे हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कि हमें कोई पाइपिंग या डोरी बनानी है तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पतला धागा नहीं है, ये वाला धागा है, तो हम इस तरीके इसे पाइपिंग बना के दिखाएंगे आपको, इस तरीके से इसे पाइपिंग बना सकते हैं हम। इस तरीके से धागे को नीचे वाले को निकाल लें। वीडियो गाइस लास्ट तक बात करें, हम आपको दिखाते हैं कि फुटफायर हमारा कैसे काम करेगा। गाइस, आसानी से हमारी पाइपिंग बन जाती है। गाइस, देख सकते हैं ये हमारी पाइपिंग एकदम पतली पाइपिंग तैयार हो गई है, आराम से इसे तरीके से काट के। गाइस, ये हमारी पाइपिंग एकदम पतली पाइपिंग बनके तैयार हो जाती है। उसके बाद हम बताते हैं आपको, इससे मोती लैस भी लगा सकते हैं, मोती लैस कैसे लगाएंगे। गाइस, ये है हमारे पास मोती लैस, और जब हम इसे चलाते हैं कुछ इस तरीके से ये चलता है, देख सकते हैं गाइस, कुछ इस तरीके से हम इसे चलाएंगे। गाइस, इस तरीके से इसे रख के रखते हम इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेते हैं। कोई भी कपड़ा या कोई गला वगैरह कहीं पे भी अगर हमें लगानी हो तो ये फुटफायर हमारा इजीली बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। बिल्कुल आप किनारे पे सिलाई लगा सकते हैं, इससे हमें सिलाई लगाने में प्रॉब्लम नहीं होती है, देख सकते हैं गाइस। और अच्छे से हमारा ये फुटफायर काम करता है, देख सकते हैं गाइस, ये हमारा अच्छे से काम करता है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि पाइपिंग वगैरह लगानी हो, अथवा जे लैस वगैरह मोती वाली लगानी हो, वैसे अगर हम लगाएंगे तो हमारे मोती, क्योंकि हमारा ये वाला फुटफायर है, ये जब लगाएंगे तो ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इस तरीके से चढ़ जाएगा, तो हमारी सिलाई अच्छी नहीं आएगी और तिरछी बिरछी भागेगी। तो गाइस, ध्यान रखें, अगर हमें मोती का ज़्यादा काम करते हैं या मोती लैस का काम करते हैं तो हमें इस तरीके का फुटफायर लेके आना है। और आप इजीली इसे मार्केट में मिल जाएगा, 20 से 25 रुपए में आ जाता है गाइस, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।